तो गाइस यार अभी मैं और चॉप वेट कर रहे हैं हमारी गाड़ी आने का। हमारे बॉडीगार्ड्स यार हमारी गाड़ी देने गए। ओ बड़ू, इस फ्रैंकलिन के बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ए फ्रैंकलिन, हिलना मत। अबे ये कौन है? ए बिल्कुल भी हिलना मत, वरना हम तुम्हें मार देंगे। जल्दी से सारे के सारे पैसे दे दो। अरे क्या पैसे? अरे मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। क्या तुम लॉस सैंटोस के सबसे अमीर आदमी हो? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? जल्दी से दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे मेरे पास कोई पैसे नहीं है सही में। अरे चॉप चॉप ले जाओ, आओ मुझे मत लेकर जाना। ए मार क्यों रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? अरे बिल्कुल भी हिलना मत, चुपचाप हमारे साथ गाड़ी बैठो। अरे हाँ बैठ रो, गोली मत मारना। बैठ गया। अरे बस लॉस सैंटोस के सबसे अमीर आदमी को उठाया, कितना पैसा मिलेगा? ओए ब्रो टेंशन मत ले, पूरी जन्मों जन्मों का पैसा मिलेगा। अरे छोड़ दो, मैंने क्या किया? आओ वो गुंडा तो फ्रैंकलिन को पकड़ कर चला गया। मुझे शिनचान के पास जाना पड़ेगा, फ्रैंकलिन को बचाना पड़ेगा। बच्चे चलो मेरे साथ, बोलो ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम। ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम। बच्चे अब तुम्हें भी मिलेगी अच्छी अच्छी शक्तियाँ। अभी के अंकल सही में मिलेगी? अरे हाँ बच्चे, जाओ टेस्ट करके देखो। अरे रुको, अभी के अभी जाता हूँ, देखता हूँ मुझे भी शक्तियाँ मिलेगी नहीं। फ्रैंकी भैया लॉस सैंटोस को सबसे अमीर आदमी बन गए, मुझे भी कुछ तो बनना पड़ेगा। ये फ्रैंकी भैया ने मुझे कार गिफ्ट करी थी। अरे वाह, अरे मैंने इसको टच किया ये तो गोल्ड की बन गई। अरे मजे आ गए। अरे फ्रैंकी भैया किसी भी चीज को टच करते तो वो डायमंड की बन जाती है, इसलिए वो लॉस सैंटोस के सबसे अमीर आदमी बन चुकी है। अब मैं इस चीज को टच करता तो वो गोल्ड की बन जाती है, अब मैं भी अमीर बनूंगा, मजे आएंगे। अरे गाड़ी तो बहुत ही खतरनाक हो गई। आओ शिनचान तो दरी खड़ा। आओ शिनचान मेरी बात सुनो। अरे चुप, तुम कैसे आ गए? आओ शिनचान, गुंडों ने फ्रैंकलिन भैया को पकड़ लिया, चलो उसको बचाना पड़ेगा। अरे मैं क्यों बचाऊं, तुम तो मुझे इस घर में छोड़ के चले गए थे ना। आओ शिनचान ऐसा मत करो, फ्रैंकलिन मर जाएगा, उसको बचाना पड़ेगा। अरे क्या वो फ्रैंकी भैया को मार देंगे क्या? अरे हाँ, अगर तुमने उसको नहीं बचाया तो उसको मार देंगे। अरे देखो रुको, हमें चलना पड़ेगा। आओ शिनचान कहाँ चल रहे हो? अरे मेरे को पता है मुझे कहाँ जाना है। अरे कहीं सर, अभी हम आ गए माइकल भैया के घर पे और ये हमारी मदद करेंगे फ्रैंकी भैया को वापस लाने में। अरे माइकल भैया मैं आ गया। अरे शिनचान क्या हो गया फ्रैंकलिन को? अरे उनको गुंडे पकड़ के लेके चले गए, हमें उनको बचाना पड़ेगा। अरे कौन से गुंडे उसको पकड़ के लेके गए? अरे वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मुझे क्या पता। अरे तुम टेंशन मत लो, हम फ्रैंकलिन को ढूंढ लेंगे और उसको बचा के ले आएंगे। अरे तो चलो ना फिर। अरे ठीक है, चलो बैठो गाड़ी में। वैसे ये गोल्ड की गाड़ी तुम लाए कहाँ से? अरे वो सर मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुआ। अरे कहीं सर, हमें पता चला है कि वो फ्रैंकी भैया को यहाँ पे पकड़ के बैठे, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। अरे यहाँ पे तो बहुत सारे गार्ड्स खड़े हैं। अरे रुको, मैं बात करता हूँ इनसे। अरे ठीक है अंकल, आप बात कर लो फटाफट से। अरे मेरी बात सुनो, लॉस सैंटोस के सबसे अमीर आदमी फ्रैंकलिन को तुमने पकड़ा है क्या? ए बड़ू, हम काहे के लिए इसको पकड़ेंगे? ए मेरे को बचाओ, नंगा करके मार रहे। अरे कौन गोली मार रहा है? अरे अंकल मेरे को टारगेट दिख रहा हूँ, खिलौना तो ना गोलियां मारे जा रहे हो। ए भाग मत, मुझे एम प्रैक्टिस करने दे। अरे एम प्रैक्टिस मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो? पर अरे ये क्या पागल लोग है, मेरे को पकड़ के लेके कोई तो बचा लो। और एक सेकंड, शिनचान मेरे को बचा ले। अरे माइकल मेरे को बचा ले। एनी फेकी भी दिख गए मुझे। अरे तुमने तो मना किया था, वो तो अंदर ही है। अरे मेरे को कोई तो बचा लो, प्लीज बचा लो, मुझे बहुत मार रहे हैं ये। अरे बड़ो हमारे पास ये फ्रैंकलिन, हम तुमको नहीं देने वाले, जो करना है कर ले। अरे हम क्या कुछ करेंगे, हम तो जा रहे हैं। अरे माइकल भैया करो ना कुछ तो। अरे शिनचान रुक, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। अरे कौन सा प्लान है? अरे रुक जाओ अभी देखे चलता हूँ, देखो। अरे गाइस हम यहाँ पे आ गए फ्रैंकी भैया के लिए बहुत ही बड़ी वाली गाड़ी खरीदने, और उसको लेके हम फ्रैंकी भैया को बचाने जाएंगे अंदर वो भी। अरे अंकल आप हमें गाड़ी दोगे क्या? हबीबी मैं तुमको गाड़ी देती, तुम मेरे से गाड़ी लेती, पैसा देती, पैसा लेती, जल्दी जल्दी पैसा देती। अरे अंकल पहले गाड़ी तो देखने दो। अरे हबीबी देखती गाड़ी देखती। अरे गाइस यहाँ पे देखो, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये सारी की सारी गाड़ियों को टच करके मैं इनको गोल्ड कर दूंगा, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं किसी भी चीज को टच करता हूँ तो वो गोल्ड की बन जाती है। फिर अंकल कह रहे हमको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अरे अंकल देखो, मैंने आपकी सारी की सारी गाड़ियाँ गोल्ड की कर दी। हबीबी तुम तो बहुत ही ग्रेट होती, अरे वाह वाह मजा आ जाती, सोना ही सोना होती। अरे अंकल हमें एक गाड़ी फ्री में दोगे ना? हबीबी तुम दो गाड़ी ले जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। अरे अंकल नहीं, अभी तो हमें सिर्फ एक ही गाड़ी चाहिए। अरे रुको, ये गाड़ी सबसे बड़ी लग रही है। अरे चलो ये वाली गाड़ी ले लेता हूँ, इसमें हम फ्रैंकी भैया को बचाएंगे। अरे चलो माइकल अंकल बैठ जाओ। अरे हाँ बैठ रहो शिनचान, आज तो हम फ्रैंकलिन को बचा के रहेंगे। अरे गाइस अगर आप चाहते हो फ्रैंकी भैया बच जाए तो फटाफट जाके लाइक सब्सक्राइब कर दो, और फ्रैंकी भैया को बचा देना फटाफट से जाके। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, इन सबको मैं मारूंगा गोलियां। अरे ये भी गोलियां
हमारा ये लो। अरे ये निकलो यहाँ से। अरे कैसे हम तो यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। चलो फटाफट से चलते हैं। जितने भी जन्नी दिखेंगे सबको मार दूंगा, इनके पूरे बेस में सबको मार दूंगा। इसमें गाड़ी में आगे गन लगी हुई है। अरे फेंकी भी कहाँ पे हो? अबे शिनचैन क्या हो जा रही है? शिनचैन कहाँ है तू? अरे फेंकी भी, मैं आपको बचाने आ गई, बाहर आ जाओ। फ्रैंकलिन बाहर आ जाओ। अरे आ रहा हूँ, कहाँ हो तुम? अरे शिनचैन तू आ गया मुझे बचाने। अरे बैठो शिनचैन, मुझे ऐसे बाहर निकल, मुझे यहाँ पे नहीं रहना शिनचैन, बहुत मारा मेरे को। अरे फेंकी भी रुको, थोड़ी तबाही तो कर रही तू। अरे कोई तबाही नहीं कर रही, यहाँ से निकल बस फटाफट से। अरे ठीक है फेंकी भी, आप बोलती हो तो निकल जाते। अरे मैं बच गया आखिरकार। अबे शिनचैन कहाँ लेके जा रहे? अरे फेंकी भी, अबे वहाँ से निकला, इधर तेरे पास अटक गया, अबे ढंग से चला ले। अरे फेंकी, अब टेंशन मत ले, मैं बहुत ही खतरनाक चलाता हूँ। और ये गाड़ी कहाँ से लाई, कितनी ज्यादा खतरनाक है, और ये गोल्ड की कैसे? अरे फेंकी, आपको सबको सब समझाऊंगा। तो गाइस यार, मैं आ चुका हूँ वापस से उन गुंडों से बच के। और गाइस यार, यहाँ पे हमने लिया है माइकल के लिए घर, क्योंकि यार माइकल ने मेरी मदद करी, मतलब शिनचैन की मदद करी मेरे को बचाने के लिए। तो मैं यार माइकल को एक गिफ्ट देने वाला हूँ, बहुत ही खतरनाक वाला ये घर है जो कि मैं देने वाला हूँ माइकल को। और ये लॉस सैंटोस की बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर बसा हुआ है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला घर है। देख सकते हो यहाँ पे किचन बना हुआ है, और यहाँ से बाहर जाके तो बहुत ही खतरनाक वाला सीन है, वो आपको बाद में देखूंगा, पहले पूरा का पूरा घर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे यार टीवी सोफा लगा हुआ है, इतनी ज्यादा बड़ी टीवी मैंने जिंदगी में ये देखी, यहाँ पे इतनी बड़ी टीवी है। और यहाँ पे भी टीवी और सोफा लगा हुआ है, यहाँ पे यार गेम वेम भी पड़े हैं खेलने के लिए। और यहाँ पे अपना अंदर बेडरूम जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो यार ये वाला घर हमने यार माइकल को दे दिया है। और ये बाहर देखो, यहाँ पे यार हेलीकॉप्टर स्टैंड भी है, जो कि ये हेलीकॉप्टर मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ अपने नए घर में, जहाँ पे शिनचैन और मैं साथ में रहने वाले। और हाँ, वो चौप पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा, उसको भी बुला लेंगे। आखिरकार हम सब साथ में रहेंगे। और हाँ शिनचैन, अपन आखिरकार सबके सब साथ में रहेंगे। तो फटाफट चलते अपन नए नए घर में। तो ये है वो बिल्डिंग जो कि मैंने खरीदी है अपने यार रहने के लिए, पूरी की पूरी बिल्डिंग हमने खरीदी है। और टॉप फ्लोर पर हम रहने वाले, और बाकी फ्लोर्स को हम गैराज बना के वहां पे बहुत सारी डायमंड और गोल्ड की गाड़ियां खड़ी करने वाले, क्योंकि आपको पता है शिनचैन किसी चीज को टच करता है तो वो गोल्ड की बन जाती है, और मैं किसी चीज को टच करता तो डायमंड की बन जाती है। चॉप यार, मेरे को लगता है चॉप को उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी चीज को टच करता है वो टट्टी बन जाती है, क्योंकि वो हर जगह टट्टी कर देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया वाला हमने ऑफिस बना रखा, इतने सारे कंप्यूटर्स, मतलब ये पूरा का पूरा ऑफिस एरिया है। और यहाँ पे बीच में अपना खड़ा है गोल्डन हेलीकॉप्टर जो कि शिनचैन ने बनाया था अभी, बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला ये हेलीकॉप्टर है। और एक सेकंड, अभी तो और एक और फ्लोर ऊपर जाना बाकी है, मतलब टॉप फ्लोर की भी एक और टॉप फ्लोर। अभी फटाफट से यहाँ से बाहर लेके जाते, यहाँ से अपन आए थे, ये अपनी एंट्रेंस थी, और अभी अपन जाने वाले ऊपर। यहाँ से फटाफट से चलते हैं ऊपर, और यहाँ पे और भी कंप्यूटर्स, मतलब बहुत ज्यादा कंप्यूटर लगा रखे, पूरी पूरी गेम खेल खेल के परेशान कर देंगे सबको। और यहाँ पे देख सो, यहाँ पे सोफा हुआ पड़ा है, और यहाँ पे भी पूरी पूरी ऑफिस वाले, मतलब पूरा कर रखा है। मतलब मैंने यार अपना सोचा यहाँ पे ऑफिस रह लेंगे, और यार नीचे अपने जो यार गैराज है ना, उसको यार कोई तगड़ा सा बेडरूम वेडरूम बना लेंगे। और यहाँ पे देख सो यार, इतने सारे पैसे वेपन्स, और यहाँ पे बहुत सारी तगड़ी तगड़ी चीजें पड़ी है। और यहाँ पे अपना छोटा सा स्विमिंग पूल हो भी शिनचैन के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत ही बड़ा हूँ, शिनचैन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अपना बाथरूम है, बाथटब वाथटब। और ये अपना बेडरूम जो कि शेर के साथ, ये देखो भाई ये शेर कैसे लटक रहा है, ये असली शेर था, मैंने इसको काटा फिर उसको यहाँ पे रखा है, बता मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वो कवर तो बिल्कुल भी नहीं, वो असली शेर है। तो गाइस ये रहा हमारा गोल्डन हेलीकॉप्टर। तो थोड़ा यार इसमें उड़ान भर के आते, और आपको ऊपर से मेरा घर दिखा दो कैसा है। और पीछे हमको यार बीच का बहुत ही तगड़ा वाला व्यू भी मिलता है, देख सकते हो कितना तगड़ा बीच का व्यू मिल रहा है। तो गाइस यार फटाफट से कमेंट करके बता दो आपको ये घर कैसा लगा। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और कैसे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर जाना फॉलो कर लेना। और कैसे मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।